स्टार्ट अनदर वीडियो। आज की वीडियो में अकोमोडेशन पे बात करेंगे। जनवरी इंटेक आ चुका है, आज है 1st of January। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू एंड बेस्ट ऑफ लक। जो लोग अब्रॉड जा रहे हैं अपने कंट्री से निकल के अपनी स्टडीज के लिए, बहुत दूर दूर जा रहे हैं, अपनी फैमिली से दूर जा रहे हैं, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। सो आज की वीडियो में बात करेंगे अकोमोडेशन पे। यूके में बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं और आजकल मुझे मैसेजेस आते हैं कि बेस्ट वेज क्या हैं, यूके आने से पहले अकोमोडेशन किस तरह से बुक करवाएं, क्योंकि लास्ट इनटेक में बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ है कि लोग पैसे ले लेते हैं और जब वो यहाँ आते हैं तो उनको अकोमोडेशन नहीं मिलती। सो बेस्ट वे, जनरली मैं आपको कुछ वेबसाइट्स बताऊंगा जहां पर जाके आप अकोमोडेशन चेक कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो जिस भी यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं उस यूनिवर्सिटी की अपनी अकोमोडेशन भी होती है, आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं और वहां पर यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन चेक कर लें, उसको कंपेयर कर लें प्राइवेट अकोमोडेशन साथ, अगर आपको जो भी सूट करती है तो वो आप बुक कर सकते हैं। तो अगर मैं वेबसाइट्स की बात करूं तो उसमें है स्पेयर रूम आ जाता है, राइट मूव आ जाता है, इसके अलावा एमर अकोमोडेशन आ जाती है, मीनवाइल यूनिवर्सल अकोमोडेशन आ जाती हैं, स्टूडेंट अकोमोडेशन, और वर्सिटी लिविंग एक है वेबसाइट, आप वहां पर जाके वहां पर भी बुक कर सकते हैं। ये भी ऑल ओवर द यूके अवेलेबल है। अब तरीका क्या है बुक करने का, आपने जाना है, आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं यूनिवर्सिटी की लोकेशन लगाएंगे तो नियर बाय जितने भी अवेलेबल ऑप्शंस होंगे वो आपको शो कर देगा। उसमें आपने उनको ईमेल सेंड करनी होती है व्यू की, अगर तो आपका कोई जाने वाला यहाँ है तो आप उसको भेज के देख सकते हैं, अदरवाइज आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और डेट्स ले सकते हैं कि आप इस डेट को ट्रैवल कर रहे हैं और आके विजिट करके उसको फर्दर प्रोसीड कर लेंगे। तो इस तरह होता है। बाकी अगर मैं स्पेशली बैंगर की बात करूं तो बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि बैंगर रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, लिवरपूल रहे, मैनचेस्टर रहे। तो मैं कभी भी किसी को कोई भी स्पेसिफिक जगह नहीं सजेस्ट करता, ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, वो किस तरह से मैनेज कर सकता है वैसे तो यूनिवर्सिटी अलाउ, लीगली अलाउ ही नहीं है कि आप इतनी दूर रहें, बट स्टूडेंट्स रहते हैं वो मैनेज करते हैं अपनी, लेकिन बहुत ज्यादा इसमें मुश्किल है, ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा होती है। मैं खुद एक साल से बैंगर में रह रहा हूँ तो मैं जितने भी आने वाले लोग होते हैं मैं उनको बैंगर सजेस्ट करता हूँ। और थोड़ा सा जॉब्स में भी टाइम लगता है, अब अगर आप कहें कि जहां भी आप चले जाएं फॉरेन से जॉब, तो इट डिपेंड्स, थोड़ा सा मुश्किल है। अब अकोमोडेशन देखें तो बैंगर में मैं आपको एक स्पेशल चीज बताऊंगा, आपने किसी भी फेसबुक पेज, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कहीं से भी देख के किसी को पैसे ट्रांसफर नहीं करने। सबसे जो है ना वर्स्ट कंडीशन ये वाली होती है जब फेसबुक या ऐसे किसी प्लेटफॉर्म से किसी से कॉन्टेक्ट करते हैं और उसको 600-800 पाउंड भेज देते हैं, जब यहाँ आते हैं तो वो बंदा आपको मिलता ही नहीं है। तो इस तरह के फ्रॉड जो है वो लास्ट इनटेक में बहुत ज्यादा हुए हैं, बल्कि हर इनटेक में ही होते हैं। लोग पैसे लेके आ जाते हैं और यहाँ पर आके जो है ना वो बंदा ही नहीं मिलता, आपके पैसे वेस्ट हो जाते हैं, फिर आप घूम रहे होते हैं कि किसी तरह से आपको वो मिल जाए, लेकिन वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, फिर उसमें कोई वो नहीं होता। अब अगर यूनिवर्सिटी, बैंगलोर यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन की बात करूँ तो बेस्ट अकोमोडेशन है। मैं एक साल से यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन में रह रहा हूँ, प्राइस के लिहाज से फैसिलिटीज को देखा जाए तो बेस्ट है, ऑल द टाइम हर चीज अवेलेबल है। इसमें हीटिंग दे तो वो प्राइवेट अकोमोडेशन में ऑल द टाइम हीटिंग ऑन नहीं होती, यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में हीटिंग्स हो गई, जितने भी सारी फैसिलिटीज हैं कुछ भी है वो हर चीज बहुत ज्यादा अच्छी है। प्राइस अगर बाहर की निस्बत देखी जाए तो ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, एवरेज है, बट लोग इसलिए कुछ नहीं लेते कि वो बाउंड हो जाते हैं यूनिवर्सिटी के साथ एक साल के लिए, आप फिर वो कॉन्ट्रैक्ट छोड़ नहीं सकते, छोड़ इस सेंस में सकते हैं कि आप उनको रिप्लेसमेंट में कोई स्टूडेंट देंगे देन आप वो अकोमोडेशन लीव कर सकते हैं, अदरवाइज आप एक साल का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो यूनिवर्सिटी से ब्रेक नहीं कर सकते। तो ये है बैंगलोर यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट अकोमोडेशन के कुछ रूल्स कि आप एक साल के लिए ले सकते हैं। बाकी मैं स्टूडेंट्स को ये भी सजेस्ट करता होता हूँ कि अगर आपने यूनिवर्सिटी को अकोमोडेशन नहीं लेनी, प्राइवेट अकोमोडेशन लेनी है और इनिशियली आपके पास कोई अकोमोडेशन नहीं है तो आप यूनिवर्सिटी हॉल से कॉन्टैक्ट करके टेम्परेरी फॉर द 1 month और स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए ले लें। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करेंगे कि प्राइस कितनी है, किस रूम की कितनी प्राइस है, आप हमें ये देख के बता दें। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं खुद हेल्प करना चाहता हूँ बट मैं इतने ज़्यादा लोगों की हेल्प नहीं कर सकता, मैं सिर्फ वीडियो के थ्रू एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता हूँ जिससे सबका फायदा हो सके। तो अगर आप बैंगलोर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ हॉल्स अकोमोडेशन लिखेंगे तो वहाँ पर सारी की सारी डिटेल्स आ जाती हैं। किसी चीज़ की समझ नहीं लग रही तो वहाँ कॉन्टैक्ट की ईमेल दी होती है, आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके यूनिवर्सिटी हॉल से
स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि ये चीज़ आप बुक करना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस है, किस तरह से होगी। अब ये तो हो गई यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन। अगर प्राइवेट की बात करें तो यहाँ पर जैसा कि मैंने जनरली यूके का बताया कौन कौन सी प्लेसेस, इस तरह यहाँ पे भी राइट मूव है, यहाँ पे स्पेयर रूम है, इसके अलावा आईक्यू स्टूडेंट अकोमोडेशन है, इसके अलावा यूनिवर्सल अकोमोडेशन है, इसके अलावा यहाँ पर जितनी भी हाई स्ट्रीट में है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, स्टूडियो रूम्स हैं वहाँ पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर कैसे कांटेक्ट करेंगे, यूनिवर्सल लिविंग अकोमोडेशन, इस तरह नहीं है, यूनिवर्सल अकोमोडेशन या यूनिवर्सल स्टूडेंट अकोमोडेशन आप सर्च करेंगे तो आपको वो आप क्या लें कि प्रॉपर्टी डीलर्स क्या लें या रेंटेड अकोमोडेशन जो प्रोवाइड करते हैं वो लोग क्या लें, तो उनके प्रॉपर ऑफिस हैं यहाँ पर, उनसे भी आप कॉन्टेक्ट करके आप अपनी जो है अकोमोडेशन ले सकते हैं। तो प्लीज़ ये वाला एक क्वेश्चन कि हम कहाँ रहें, हम लिवरपूल से यहाँ ट्रैवल कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद से डिसाइड करें। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं जॉब्स के हवाले से भी बनाई हुई हैं। उसके अलावा अगर बैंगलोर के नियर बाय टाउन्स में, एक और चीज़ सजेस्ट करूंगा, अगर आपको बैंगलोर के नियर बाय टाउन में भी जॉब मिल जाती है और आप वहाँ अकोमोडेशन ले लेते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है कि आप यूनिवर्सिटी ईजिली आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे पहले बताया वीडियोज़ में छोटे छोटे टाउन्स हैं, एट लेंडूनो टाउन है, थोड़ा सा बड़ा टाउन है बैंगलोर से, वहाँ पर जॉब्स मिल जाती हैं। ऐसी बात नहीं है कि जॉब्स बिल्कुल नहीं मिलती, वहाँ पर नियर बाय कहीं भी जॉब्स मिल जाती हैं। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो 10-10 दोस्त इकट्ठे आए हैं और वो सब जॉब्स कर रहे हैं, और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जिनको एक एक दो दो महीना जॉब नहीं मिलती। सो इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर लक एज वेल एंड योर स्ट्रगल एज वेल। तो अगर वहाँ भी अकोमोडेशन नियर बाय टाउन्स में ले लेते हैं तो हार्डली 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 1 आवर इतनी जो है बस का आपकी टाइम लगता है बैंगलोर आने में, यूनिवर्सिटी आने में। तो ये थी अकोमोडेशन, और मैं जैसे मैंने पहले सजेस्ट किया किसी को पहले से पैसे मत लेके आए। इसके अलावा एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सितंबर में आए थे और उन लोगों ने यूनिवर्सिटी के साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया था और आप कह लें कि 4 to 5 months हो चुके हैं, बट अब वो कॉन्ट्रैक्ट छोड़ना चाहते हैं फॉर फ्यू रीजंस। कुछ लोग फैमिली के साथ थे तो उन्होंने अकोमोडेशन ले ली थी, पता नहीं था कि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो वो बाउंड हो गए हैं। अगर तो कोई स्टूडेंट 5 months, 6 months, 7 months बैंगलोर में रहना चाहता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि अपने कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ट्रांसफर करना चाहते हैं। आई मीन टू से अगर आप 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेना चाहते, 6 महीने, 7 महीने का लेना चाहते हैं, तो आप उनका कॉन्ट्रैक्ट अपने नाम पर ट्रांसफर करवा लें। वो लोग भी एग्री हैं, आप लोग उनसे, मैं आप लोगों को कॉन्टैक्ट करवा दूंगा जो लोग बैंगलोर आ रहे हैं, तो आप उनसे जो है वो अकोमोडेशन ले सकते हैं कॉन्टैक्ट करके। उससे ये होगा जब आप आएंगे, आप डायरेक्ट उनके पास आए, वो आपका 1-2 दिन में जो यूनिवर्सिटी ऑफिस से कॉन्टैक्ट करके आपका वो ट्रांसफर कर देंगे कॉन्टैक्ट करके, एंड देन यू कैन गेट अकोमोडेशन। एक चीज मेंशन कर दूं, जो भी ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट आप ट्रांसफर करवाने की बात की है ये बिल्कुल सिक्योर है। आपने किसी भी पर्सन को इसमें भी किसी स्टूडेंट को पैसे नहीं देने आने से पहले या कोई चीज़ नहीं करनी। जब आप यहाँ आएंगे तो लीगली आप दोनों पर्सन जो हैं यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन का ऑफिस जाएंगे, वहाँ पर प्रॉपर प्रोसेस चैनल के थ्रू आपका जो है उनका कॉन्ट्रैक्ट आपके नाम पर ट्रांसफर होगा, और आपने जो रेंट है वो यूनिवर्सिटी को देना है, किसी भी स्टूडेंट को नहीं देना, तो ये चीज़ भी मत भूलिएगा। दिस इज ऑल अबाउट अकोमोडेशन। मीनवाइल जो भी आपके क्वेश्चन होते हैं हिट मी ऑन माई इंस्टाग्राम, पूरी वीडियो में कहीं ना कहीं मेंशन होगा। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।